अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में चुनाव के लिए नया मुद्दा फिक्स कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर दिया है कि यूपी में अगले 4 राउंड का इलेक्शन आतंकवाद के इशू पर लड़ा जाएगा। हरदोई की पब्लिक मीटिंग में आतंकवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे तीखा प्रहार हुआ है। इन हमलों में समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर लेकर आया है। साइकिल पे बम रखे हुए थे, एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे दौर की वोटिंग से पहले एजेंडा सेट कर दिया। मोदी ने आतंकवाद को चुनावी मुद्दा बना दिया। ये हमला अखिलेश यादव पर था, कांग्रेस पार्टी पर था, मैदान में ओवैसी समेत दूसरे विरोधियों पर था। पीएम ने अपने हमले को धार देने के लिए अहमदाबाद धमाकों का जिक्र किया और बताया कि बीजेपी कैसे सख्ती से आतंकवाद से निपटती है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में वहां की सेवा कर रहा था तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे और उनका षड्यंत्र तो और शहरों में भी था। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूं। जो लोग इन धमाकों में मारे गए थे, धरती खून से लाल हो चुकी थी, माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे। मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। अभी 2 दिन पहले ही अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली है। जो हम भारतीयों को तबाह करना चाहते थे उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। अहमदाबाद धमाकों के साथ साथ रैली में पीएम मोदी ने एक के बाद एक यूपी में हुए धमाकों का जिक्र किया। हर बार समाजवादी पार्टी पर हमला तीखा होता चला गया। आपको याद होगा 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था, 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक कासमी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था, लेकिन अदालत इसके लिए तैयार नहीं हुई और फिर तारिक को समाजवादी सरकार ने केस विड्रॉ करने का निर्णय कर लिया था। अदालत ने मना किया, केस चला और परिणाम क्या आया, 20 साल की सजा हुई दोस्तों, 20 साल की सजा। उसको वो बचाना चाहते थे। 2007 में लखनऊ अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए थे, 2013 में समाजवादी सरकार ने फिर आतंकी पर चल रहा मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था, संकट मोचन मंदिर भी धमाका किया गया था, वहां के कैंट रेलवे स्टेशन भी हमला किया गया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर ये बम धमाका का जो चल रहे थे मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था। भाइयों,
मोदी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप पूरे फैक्ट्स के साथ लगाए। पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने 7 जिलों के 14 आतंकी हमलों में मुकदमे वापस लिए। इनमें लखनऊ में 6 आतंकियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस लिए गए, जबकि कानपुर में 3 आतंकियों के केस वापस लेने का फैसला लिया गया। इसी तरह अखिलेश सरकार ने वाराणसी, गोरखपुर, रामपुर और बाराबंकी में 1-1 केस वापस लिया। इन्हीं फैक्ट्स को रखते हुए पीएम और हमलावर हो गए। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। पीएम के इस बयान से अखिलेश यादव तिलमिला गए। अखिलेश यादव ने फौरन पलटवार करते हुए ट्वीट किया, खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल, सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल, महंगाई का उस पर असर नहीं उस सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल, साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है, साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। देखिए, इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसीलिए आतंकवाद, इसीलिए भाईचारे पर चोट पहुंचाने का काम, इसीलिए ये जानबूझ करके बहस को दूसरी दिशा में लेना चाहते हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान की तबाही, मजदूर के पास काम नहीं, इन बातों पे ये बहस नहीं करना चाहिए। आतंकवाद के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी तीखे वार किए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।